तो केवल केवल भारतीय जनता पार्टी जगा रही है और यह आग जगाती रहेगी चाहे कोई कितना अवरोध रहे। और आ गया गरीब की सेवा, गरीब की सेवा तो उसका इससे बड़ा स्पष्ट उदाहरण उत्तर प्रदेश ज्यादा नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन हुआ, 38 सीटें, आधी हो गई बसपा, आधी हो गई सपा, सपा आधी से भी एक कम हो गई, आधी से भी एक कम हो गई, बल्कि तीन कम हो गई, उसी में से लोकदल को दिया उन्होंने तीन, एक दे दिया कम 37 पर आए। और जो 38 सीटें आज दलित समाज में आपको हमको जाना है, बस्तियों में जाइए बताइए कि आज भी अंबेडकर के सपनों को, काशीराम के जिन सपनों को दलितों के उद्धार के लिए सपने पाले गए, जो महात्मा गांधी जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, हमारे विचारकों ने जो सपने देखे थे गरीबों के उद्धार के लिए दलितों के, उन सपनों का दो दृश्य देखो। 38 से 38 उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के, कोई बम्बई का बिल्डर है तो कोई पटना का गुटखा वाला है अंबेडकर नगर लड़ने आया था, तो कोई नोएडा का बिल्डर है चला आ रहा है श्रावस्ती चुनाव लोग, कोई 38 से 38 कोई बहुजन समाज पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं है। शर्म आती है बहुजन समाज पार्टी के नेता ने 38 की 38 सीटें बेच दिया करोड़ रुपए लेकर, और दलित समाज देख रहा है कि एक तरफ वो सीटें हमारे वोटों के नाम पर बेची जा रही है और एक तरफ हिंदुस्तान का नेता, देश का राजा है, देश का प्रधानमंत्री है, अपने को प्रधान सेवक कहता है और आज चौकीदार के रूप में देश की सेवा कर रहा है, वो प्रयाग के कुंभ में सफाई करने वाले दलितों के पांव धो के तौलिए से पोछ रहा है, वो दलित की आंखें खुल गई है कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है।